दिन शुरू और ख़त्म तो फातिमा के साथ ही होता है, और फिर अपनी तैयारी होती है, फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए आना होता है। बिस्मा पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि हम लोग कज़न्स थे, तो मैं शुरू से इसकी स्ट्रगल देखता आ रहा हूँ। इस फील्ड में भी पाकिस्तान के लिए भी इसने नाम बनाया, तो मैं हमेशा से यही चाह रहा था कि ये अगर शादी के बाद भी अपनी अगर स्ट्रगल कंटिन्यू रखना चाहती है, मुल्क के लिए खेलना चाहती है, तो वो कंटिन्यू करे और मैं उसमें जिस हद तक सपोर्ट कर सकता हूँ उसको करूँ। टाइम मैनेज कर रही होती हूँ किसी तरीके से, बस चीज़ें फटाफट करके घर को वाइंड अप करके फिर मैं निकलूँ। फिर 1-2 बजे के लिए मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए आती हूँ यहाँ पर, ट्रेनिंग वगैरह करके मगरिब तक 5 बजे तक यहीं पर होती हूँ। उसके बाद यहाँ से वापस जाके दोबारा फातिमा की रूटीन होती है। मदरहुड एक ऐसी जॉब है जो ऑलरेडी इटसेल्फ एक फुल टाइम जॉब है, जो आप किसी और प्रोफेशन के साथ जब भी कैरी करते हैं तो आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो आप दूसरे के लिए किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन खैर बिस्मा ने इसमें उसकी अपनी बहुत इसमें स्ट्रगल है, हिम्मत है कि वो बेबी को भी टाइम दे रही है, वो अपने घर को भी टाइम दे रही है और साथ में अपने प्रोफेशन को भी वैसे ही कैरी कर रही है, और वही उसका पैशन है उसके लिए जैसे पहले था। क्रिकेट तो पैशन है, वो कहीं नहीं जाता, वो अपने अंदर है, और इसी वजह से रिटर्न करने का मैंने सोचा था। और फातिमा डेफिनेटली अब वो प्रायोरिटी मेरे सबसे पहले सेंटर ऑफ माई लाइफ वो हो चुकी हुई है, तो उसके साथ चीज़ों को बैलेंस करना मेरे लिए भी एक नया फेज़ है, मैं भी इसमें काफ़ी कुछ लर्न करूँगी। डेफिनेटली नर्व्स हैं और एक्साइटेड भी हूँ, ऐसे लगता है जैसे डेब्यू करने लगी हूँ वापस, और लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा कमबैक करूँ। और डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है डिफरेंट, फातिमा भी साथ है, तो यू नो चीज़ों को मैनेज अच्छी तरीके से कर सकूँ और एक अच्छा कमबैक कर सकूँ, ताकि जो है एक अच्छी रोल मॉडल के तौर पर मैं आगे आ सकूँ।